अस्सलामुअलैकुम, कैसे हो आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गए, मैं भी ठीक हूँ। तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो मैं उठ चुकी हूँ, 11:30 बज रहे हैं और फटाफट से मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ। एंड चाय मैं रोज़ नहीं पीती हूँ, कभी कभी पीती हूँ। सबसे पहले उठते ही साथ में तो मैं अपना ड्रिंक पीती हूँ, कलौंजी का वाटर, जैसे आप लोगों को सबको पता ही है। आप लोग ने मेरे प्रीवियस वीडियोज़ देखे होंगे, इफ़ अगर नहीं देखे तो देख लेना। कलौंजी वाटर मैं इसीलिए पीती हूँ क्योंकि वो बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए, एंड 99 बीमारियों से वो दूर रखता है, उससे शिफा मिलती है। तो पीना चाहिए यार, कुछ तो बेनिफिट मिलता है तो ले लेना, कुछ तो नहीं बहुत ही बेनिफिट मिलता है। तो चाय में टोस्ट, खारी बटर या ब्रेड वगैरह हो तो मैं पीती हूँ, मुझे अच्छा लगती है। उसके बाद में मैं खाना बनाने जा ही रही थी तो उतने में फटाफट से एक अंकल आ गए थे पहचान के गेस्ट, तो उनको फटाफट से चाय बना के दे दी। फिर उसके बाद में मैं आ गई, अपना खाना बनाने की तैयारी करना स्टार्ट कर दी मैंने। तो आज मैं ज़्यादा कुछ नहीं बना रही हूँ, टमाटर की चटनी और भाकरी बनाऊँगी बस, क्योंकि मैं और मम्मी हैं, हम दोनों हैं तो हम लोग ऐसे थोड़ा बहुत कुछ भी बना के खा लेते हैं। तो फटाफट से मैंने टमाटर काट लिए है और फिर उसके बाद में कांदा काट के ले लियो, 2 कांदा ले लियो, आधा किलो से थोड़ा ज़्यादा ही होगा, आधा किलो के करीब करीब मैंने टमाटर लिए। तो कांदा मैं ज़्यादा नहीं डालती क्योंकि मीठा मीठा लगने लगता है इसीलिए। और फटाफट से मैंने टमाटर की चटनी बना ली, उसके बाद भाकरी भी बना ली, एंड मम्मी ने फिर लंच पहले कर लिया तो मैं बाद में करी पूरा काम होने के बाद। तो वीडियो पूरा देखना, वीडियो अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करना और कमेंट भी करना कि आप लोगों को कैसा लगा। एंड ये मेरा फुल डे का व्लॉग है तो ज़रूर बताना कि आप लोगों को कैसा लगा, तो मैं कंटिन्यू करूँ, मैं फिर रोज़ रेगुलर व्लॉग डालना चालू करूँ फुल डे के, कि मैं क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ। तो देखिए आप लोग और बताना ज़रूर। तो ये मैं आप लोगों को इसीलिए बता रही हूँ कि देखो, एक हफ्ते के करीब करीब हो गया है, एक हफ्ता हो गया मुझे कोतमीर इसमें रख के, और मैंने अच्छे से कोतमीर को मतलब काट के और अच्छे से वॉश करके फिर थोड़ी देर तक इसका पानी मैंने हटा के इसको टॉवल में मैंने फोल्ड करके फ्रिज में रख दी थी। एंड ये एक हफ्ते से इतनी ग्रीन आप लोग देख सकते हो कि कितनी ग्रीन है अभी भी, एंड ये कम से कम 10-12 दिन चलती है, आप लोग भी ट्राई करना, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हूँ। एंड मेरी चटनी रेडी हो गई है, चलो हम लोग अभी भाकरी बनाते हैं।
तो एडिटिंग का काम करने के बाद में हो गई थी शाम, तो शाम को खाने की तैयारी मेरी चालू हो चुकी है। एंड मैंने शाम में गरार की भाजी और रोटी बनाई थी और दाल चावल बनाया था जिसका मैंने क्लिप नहीं ली, सिर्फ भाजी की क्लिप ली क्योंकि रेसिपी आप लोगों से शेयर करनी थी। एंड क्विक रेसिपी शेयर करनी थी, ये मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ कि गवार की भाजी कैसे बनाते हैं, तो बस आप लोग देखो। एंड फटाफट से मैंने खाना बना ली।
तो ये था मेरा पूरा दिन का आज का बिजी शेड्यूल। तो आप लोगों का आज का मेरा व्लॉग कैसा लगा? अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए, पानी की बॉटल मैंने ले ली एंड अब मैं जा रही हूँ सोने। बहुत थक गई हूँ, पता नहीं शायद से लेटे साथ सो जाऊँगी। और मज़ा आया, अच्छा लगा आज पूरा दिन मैंने क्या क्या की मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हूँ। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब लाइक शेयर करो और थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।